फ्रेंड्स वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम एक हल्का सा रिवाइज करेंगे कि स्टीम जेट इजेक्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है आफ्टर दैट आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्टीम जेट इजेक्टर है उसको बेसिकली हमारे सिस्टम से किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कितने स्टेजेस के स्टीम जेट इजेक्टर्स होते हैं और ये नंबर ऑफ स्टेजेस का मतलब क्या होता है और लास्ट बैरोमेट्रिक पॉट क्या होता है और बैरोमेट्रिक पॉट का यूज़ क्या होता है सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा मेरे चैनल को लाइक like कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए स्टार्ट करते हैं हम स्टीम इजेक्टर के हल्के से बेसिक्स में आपको एक बार दोबारा बताऊंगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको गलती से भी एक पॉइंट भी इसका मिस नहीं करना है फ्रेंड्स स्टीम इजेक्टर को समझने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोलती है मास फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप ऑफ टू डिफेंट आया ऑलवेज कॉन्स्टेंट लाइक यहां पर हमारा एरिया ए टू है यहाँ पे एरिया ए वन है सो रो टू ए टू वी टू इज इक्वल टू रो वन ए वन वी वन अगर डेंसिटी मेरी सेम है मटेरियल की रो वन इज इक्वल टू रो टू दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा जो बचेगा वो बचेगा ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू अस्टेंट मींस एरिया इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन वेलॉसिटी जैसा कि फ्रेंड्स ए टू मेरा ए वन से ज्यादा है

इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कहना है सो so फ्रेंड्स याद रखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यह कहती है कि जहां पे भी मेरा एरिया डिक्रीज होगा वहां पे हमेशा मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करती है सेकंड फ्रेंड्स बनॉल इक्वेशन प्रेसर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों का समय कॉन्स्टेंट होता है और अगर एक लिक्विड एक हॉर्जेंटल पाइप में मूव कर रहा है तो ये फैक्टर भी एक कॉन्स्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का सम एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए मीन्स अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी मींस प्रेशर और वेलोसिटी भी एक दूसरे के यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है सो so फ्रेंड्स यहां से आई थिंक आपको मैंने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं प्रेशर इज यूनिवर्सिटी प्रपोर्सनल टू वेलोसिटी मीन्स जहां पर मेरा प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर मेरी वेलॉसिटी कम होगी जहां पर मेरी वेलोसिटी हो ज्यादा होगी वहां पर मेरा प्रेशर कम होगा सो फ्रेंड्स होप अब आपको कंफर्म हो गया होगा बिकॉज इन्हीं सारी चीजों का यूज होता है बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर में सो फ्रेंड्स स्टीम जेट इजेक्टर आगे और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करने वाला हूं फ्रेंड्स याद रखिए जहां पे भी आपका एरिया कम होता है वहां पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर आपका घटेगा बस इतना आप याद रखिएगा एरिया बढ़ेगा तो आपका जो है प्रेशर बढ़ेगा और वेलॉसिटी मेरी कम होगी फ्रेंड्स होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम इजेक्टर के पार्ट्स की और उसके वर्किंग की सो so फ्रेंड्स वो समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए मैंने इस डायग्राम को बेसिकली तीन रीजन में डिवाइड किया हुआ है रीजन वन रीजन टू एंड रीजन थ्री अगर आप फ्रेंड्स रीजन वन को देखेंगे तो रीजन वन में बेसिकली मैंने नोजल कवर की है और एक सक्सम चैम्बर कवर किया है फ्रेंड्स देखिए अगर रीजन वन की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मेरी स्टीम एंटर हो रही है जब स्टीम मेरी एंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है लेकिन उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे कि ये आपकी नोजल है मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका एरिया डिक्रीज करेगा तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी सेम यहां पे हो रहा है कि आपका जब भी स्टीम यहां से बाहर होती है तो स्टीम आपकी हाई वेलोसिटी से एग्जिट करती है और प्रेशर उसका कम होता है जिस हाई वेलोसिटी से एग्जिट होने की वजह से हाई वेलोसिटी से फ्रेंड्स ये जोन टू में आके एग्जिट हुई ये जो जोन है यहां पे आके ये हाई वेलोसिटी से एग्जिट हुई हाई वेलोसिटी से जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी ये जो सक्सन चैम्बर है ये पूरा ये इस चैम्बर से में जो भी नॉन कंडेंसेबल आपकी गैसेजेस होंगी एयर होंगी या वाटर वेपर्स होंगी उसको अपने साथ में खींचेगी और फ्रेंड्स वो अपने साथ में उसको खींच के आगे आप ये देखिए दोबारा ये कन्वर्स कर रहा है इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी या उसको अपने साथ में खींच के आगे की तरफ लेके जाएगी और फ्रेंड्स ये जैसे ही ये रीजन थ्री में एंटर करेगी तो रीजन थ्री में आप देखिए ये डाइवर्जिंग नोजल है जैसे ही ये रीजन थ्री में इंटर करेगी उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी सो फ्रेंड्स रीजन वन में आपकी नोजल बेसिकली मैंने कंसिडर की है जिसमें आपकी हाई प्रेशर स्टीम को हाई वेलोसिटी स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ और रीजन टू में बेसिकली ये ये जैसे ही नोजल से बाहर निकलती है इसके बाद में हाई वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से यह आपके चैम्बर से एयर को बाहर की एयर और जो भी सेबल गैसेजेस हैं या वॉटर वेपर्स है उनको अपने साथ में खींचती है और आगे की तरफ मूव करते ही जैसे ही ये डाइवर्टिंग सेक्शन में आएगा तुरंत उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, जा, हो जाती है और वो एक हाई प्रेशर जोन में जाके रिलीज हो जाता है सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर का पार्ट्स है और उसका वर्किंग है सो फ्रेंड्स होप आपको स्टीम जेट इजेक्टर के पार्ट्स और उसकी वर्किंग क्लियर हो गई होगी अब फ्रेंड्स बात करते हैं आपने इंडस्ट्री में बेसिकली देखा होगा मल्टी स्टेज इजेक्टर्स फ्रेंड्स कई सारे स्टेज में इजेक्टर एक के बाद एक करके आपने लगे हुए देखे होंगे। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये कैसे लगाए जाते मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा ये मेरा पहला इजेक्टर है ये मेरा इजेक्टर ये पहला इजेक्टर है यहाँ पे इजेक्टर की पहली नोजल है यहां से मेरी स्टीम एंटर करेगी और ये मेरे ये मेरा सिस्टम में से कनेक्टेड है जो भी मेरे सिस्टम के वेपर्स हैं ये उसको अपने साथ में ड्रैक करके लाता है इसके बाद में क्या होता है अब मेरा स्टीम आ रही है और साथ में वेपर्स आ रहे हैं ये दोनों की दोनों चीजें आगे की तरफ मूव की अब फ्रेंड्स जो भी आगे का जोन है मीन्स जो भी आगे के स्टेजेस हैं हर एक स्टेज का एक इंडिविजुअल रोल रहता है फ्रेंड्स हर एक स्टेज एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट करती है और अगली जो स्टेज होती है वो फ्रेंड्स उसको बुस्टअप करती है लाइक मान लीजिए हमको ये इजेक्टर ऑपरेट करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ये वाली स्टेज चालू की जैसे ही हम ये स्टेज चालू करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा जो भी वेपर्स हैं वो वेपर्स यहां से मूव करते 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 यहां पे आएंगे सो so, फ्रेंड्स ये जो भी वेपर्स आ रहे हैं बेसिकली इन वेपर्स को ये सारे एक्सचेंजर्स है फ्रेंड्स इनको बेसिकली बोलते हैं कंडेंसर्स ये देखिए ये कंडेंसर है इसके बाद में इन कंडेंसर से ये आगे गया लाइन ये आपका एक और इजेक्टर लगा हुआ है इजेक्टर की दूसरी स्टेज लगी हुई है इस यहाँ पे फिर स्टीम आई उस स्टीम में जो भी वेपर से आए उनको फिर अपने साथ में कैरी किया आफ्टर दैट ये फिर कंडेंसर लगा हुआ है इस कंडेंसर ने उसको दोबारा कंडेंस किया फिर ये आगे मूव किया फिर यहाँ पे स्टीम आई इस स्टीम ने आपके जो भी पीछे से व्यापार आ रहे हैं उनको दोबारा कंडेंस किया और अपने साथ में लेके दोबारा ये उसको कंडेंस करके बाहर निकाल दिया और आपका सिस्टम में आपके वैक्यूम क्रिएट हो गया सो फ्रेंड्स याद रखिए हर एक स्टेज अपना एक डिजायर्ड वैक्यूम बनाती है लाइक like अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में फोर है सो so फ्रेंड्स हर एक स्टेज लाइक स्टेज जो आप सबसे पहले स्टेज चालू करेंगे उसका उसका एक डिजायर्ड वैक्यूम आपको मिलना चाहिए मान लीजिए वो फाइव फिफ्टी एम है माइनस फाइव फिफ्टी पहली स्टेज आपको इतना वैक्यूम देगी जब आप अगली स्टेज पे जाएंगे मैं आपको अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये फिक्स नहीं है तो मान लीजिए अगली स्टेज को आपको माइनस सिक्स फोर्टी वैक्यूम देना है तो पहली स्टेज ने तो फाइव फोर्टी वैक्यूम आपका बना दिया सेकंड स्टेज फ्रेंड्स आपकी क्या करेगी जैसे ही आप उसमें स्टीम की नोजल ओपन करेंगे ये क्या करेगी जो पहली स्टेज ने वैक्यूम बनाया है ये बेसिकली आप ऐसा समझिए फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये स्टेज है आपको ये ये आपका सिस्टम है आपको अपने सिस्टम में वैक्यूम लेना है आपने इस स्टेज में आपने स्टीम चालू की जैसे ही आपने स्टेज इस स्टेज में स्टीम चालू की तो फ्रेंड्स ये क्या करेगी ये देखिए ये आपका पूरा सिस्टम कनेक्ट है इसने यहां से वेपर्स यह यहां पे आए यहां पे आए आपके सारे पानी चल रहा है कंडेंस होने लायक वेपर्स थे वो सब कंडेंस होके नीचे की तरफ चले गए कूलिंग वाटर के साथ कंडेंस होके नीचे की तरफ डायरोमेट्रिक पॉट में चले गए ये डायरोमेट्रिक पॉट में आपको आगे समझाऊंगा फ्रेंड्स दोबारा समझिए जैसे ही आपने इस स्टेज को चालू किया ये आपका सिस्टम कनेक्टेड है यहां से तो जो भी कंडेंस होना था वो कंडेंस हो नीचे चला गया जो पार्ट नहीं कंडेंस हो पाया वो अगली स्टेज में मूव किया यहाँ पे फ्रेंड्स अगेन मेरा वैक्यूम है सिस्टम में तो फ्रेंड्स ये फिर आगे मूव किया जो इस एक्सचेंजर में कंडेंस होना है वो कंडेंस हुआ अदरवाइज ये फिर इस स्टेज में स्टीम के साथ में कैरी ओवर हुआ और इस स्टेज में स्टीम और वाटर वेपर दोनों के दोनों कंडेंस हो गए सो so फ्रेंड्स हर एक स्टेज अपना डिजायर्ड वैक्यूम बनाती है याद रखिएगा लाइक like, मैंने ये स्टेज चालू की इस स्टेज ने मेरा 550 मान लीजिए माइनस फाइव वैक्यूम बना दिया यहां से मेरे वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होते 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 आ रहे थे जो भी कंडेंस यहां तक नहीं कंडेंस हुए वो आगे पहुंचे उसको इसने अपने साथ में ले जाके फाइव वैक्यूम बना दिया अब मैं ये वाला जैसे ही स्टेज चालू करूंगा तो ये स्टेज क्या करेगी जो पहली स्टेज वैक्यूम बना के दे रही है ये स्टेज उस वैक्यूम को और बूस्टअप करेगी मान लीजिए पहली स्टेज ने 550 वैक्यूम बनाया है और ये स्टेज मान लीजिए आपका 650 तक उसको बूस्टअप करेगी ये उसमें माइनस हंड्रेड एम एम का और गेन देगी तो फ्रेंड जैसे ही हमने इसको चालू किया ये क्या करेगी और ज्यादा वैक्यूम और और ज्यादा वेपर्स को यहां से लाएगी और वो यहां पर यह कंडेंस करेगी अदरवाइज ये अपने स्टीम के साथ में उसको यहां पे ले जाके कंडेंस कर देगा सिमिलरली हम ये थर्ड स्टेज चालू करेंगे तो फ्रेंड्स ये थर्ड स्टेज और ज्यादा वैक्यूम को बूटअप करेगा मान लीजिए थर्ड स्टेज पे आपका सेंस होती जाना है तो फ्रेंड्स ये थर्ड स्टेज जैसे ही आप इसमें ये नोजल खोलेंगे ये और ज्यादा आपका और ज्यादा वाटर वेपर्स को साफ करेगी और इस स्टेज में कंडेंस करके इसके साथ में वो उसको नीचे को लेके आ जाएगी सो so फ्रेंड्स याद रखिए कि जो भी मेरे कंडेंसर्स होते हैं इन कंडेंसर्स का काम ये रहता है कि जो भी मेरे वाटर वेपर्स कैरी हो रहे हैं मेरे सिस्टम में वाटर वैपर्स या जो भी कंडेंसेबल गैसेस हैं या फिर कंडेंसेबल वैपर्स हैं इसका काम रहता है इन कंडेंसर्स का कि जो भी कंडेंसेबल मटेरियल है उसको ये कंडेंस करे ताकि मेरे इजेक्टर पे पड़ने वाला जो हर एक स्टेज पे लोड पड़ता है ताकि वो लोड मेरा डिक्रीज हो और इजेक्टर आपका इफेक्टिव काम करे सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा हर एक स्टेज अपना एक डिज़ायर्ड वैक्यूम बनाती है अगर आप कोई भी स्टेज जो डिजाइन वैक्यूम बनाती है वो नहीं बना रही है दैट उस पर्टिकुलर स्टेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है सो so फ्रेंड्स हर एक स्टेज का काम रहता है जो भी आपके व्यापार आ रहे हैं उनको कंडेंस करना ताकि इफेक्टिव तरीके से वैक्यूम आपका क्रिएट हो सके बिकॉज वैक्यूम आपका तभी क्रिएट होगा जब आपके सिस्टम में जो भी आपका अपने अंदर से मटेरियल खींचा है वो पूरा का पूरा मटेरियल आपका कंडेंस हो जाए या फिर अगर नॉन कंडेंसेबल है तो वो फाइनल स्टेज से एटमोसफेयर में रिलीज हो जाए सो फ्रेंड्स होप आपको मल्टी स्टेज इजेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टेजेस डिपेंड करती हैं बेसिकली हमें कितना वैक्यूम चाहिए चार स्टेज के भी इजेक्टर्स होते हैं इवन पांच स्टेज के भी इजेक्टर्स होते हैं और फ्रेंड्स कंडेंसर का, का काम बेसिकली कुछ नहीं होता है जितने भी इसके अंदर आपके कंडेंसीबल वेपर्स या फिर कंडेंसेबल आपके मटेरियल्स हैं इसका काम रहता है बेसिकली उसको कंडेंस करना ताकि आपका जो भी आगे की इजेक्टर्स जो भी स्टेजेस की वैक्यूम क्रिएट कर रही हैं वो उन उनपे लोड कम हो और वो इजिली आपका

ये एक्सचेंजर्स ये मेरे कंडेंसर्स हैं जो भी कंडेंसर से मटेरियल कंडेंस होता है वो बैरोमेट्रिक पॉट में जाता है सो फ्रेंड्स बैरोमेट्रिक पॉट एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स ये जरूर समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स जो भी आपके इजेक्टर ने वैक्यूम क्रिएट किया वो बेसिकली इसलिए किया क्योंकि जो भी आपके वेपर्स को आपका जो इजेक्टर है वो अपनी स्टीम के साथ में खींच के लाया था उसमें जो भी आपका कंडेंसेबल पोर्शन था वो पोर्शन आपको यहाँ पे कंडेंस करना है ताकि जो भी अगले एक्सचेंजर में जाए वो आपका नॉन कंडेंसेबल गैसेज बेसिकली जाए ताकि लोड आपका अगले एक्सचेंजर पे कम हो सो so फ्रेंड जो भी आप ये यह मटेरियल यहाँ पे कंडेंस करते हैं चाहे वो आपके कन्डेंसेबल वेपर्स हो या फिर आपके कंडेंसेबल वाटर वेपर हो जो भी आपने इससे को कंडेंस किया वो बेसिकली मटेरियल आपका जाता है एक बैरोमेट्रिक पॉट में फ्रेंड्स इस बैरोमेट्रिक पॉट के बारे में कुछ बातें हैं जो समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूँ पहली चीज फ्रेंड्स ये जो लेंथ होती है लेग की आपके कंडेंसर से लेकर नीचे के, के बैरोमेट्रिक पॉट तक ये लेंथ फ्रेंड्स हमेशा 10.4 मीटर के आसपास की होती है या या तो 10.4 मीटर होगी या फिर इससे ज्यादा होगी ऐसा क्यों होता है वो समझिए फ्रेंड्स एक इस सिस्टम में, में मेरे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है बिकॉज इटेक्टर का, का काम ही वैक्यूम क्रिएट करना तो जो भी मटेरियल यहां पे बेसिकली कंडेंस हुआ या फिर बिकॉज मेरा कूलिंग वाटर चल रहा है तो जो भी मटेरियल और जो भी स्टीम मेरी यहाँ पे कंडेंस हुई वो वो नीचे की तरफ मूव करेगा ही नहीं क्योंकि तो मेरा जो सिस्टम है वो अंडर वैक्यूम है सो so फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला होता है मेरा पी इज इक्वल टू रो जी एच इसमें जब आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब एक्सल्टी नाइन पॉइंट एट और हाइट आप टेन पॉइंट फोर मीटर की पुटअप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्रेशर है ये प्रेसर आपका 10.4 मीटर की हाइट पे आपका वैक्यूम ब्रेक होके एटमोस्फेरिक प्रेसर में कन्वर्ट हो जाता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा आपके इजेक्टर के कंडेंसर से बैरोमेट्रिक पॉट तक जो पाइप आता है उसकी लेंथ मिनिमम 10.4 मीटर या फिर इससे ऊपर ही होनी चाहिए अदरवाइज आपका जो इजेक्टर है वो कभी भी इफेक्टिव काम नहीं करेगा फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं टेन पॉइंट आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं टेन पॉइंट फोर मीटर ये बेसिकली वो हाइट होती है जो हाइट आपको चाहिए रहती है अगर आपको वैक्यूम को ब्रेक करके एटमोस्फेरिक कंडीशन तक लाना है तो इस केस में आपका वैक्यूम है तो लिक्विड आपका इस पाइप के थ्रू नीचे आएगा ही नहीं इसलिए फ्रेंड्स हम टेन पॉइंट फोर मीटर की हाइट देते हैं ताकि ये लिक्विड इस इतना अगर इसको हाइट मिलेगी तो ये मेरा आपका एटमोसफेरिक कंडीशन क्रिएट कर देगा जिस वजह से इजिली मेरा पानी यहां से नीचे की तरफ मूव करेगा सो फ्रेंड्स होप आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो लेंथ होती है पाइप की ये हमेशा 10.4 मीटर क्यों होती है नाउ फ्रेंड्स सेकंड कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि ये जो बैरोमेट्रिक पॉट है इसमें ये सारी की सारी लेग्स जो होती हैं ये बेसिकली मेरी डिप क्यों होती है फ्रेंड्स याद रखिए इजेक्टर का, का काम है मेरा वैक्यूम क्रिएट करना पहली स्टेज में कुछ वैक्यूम क्रिएट हुआ अगर आपका बैरोमेट्रिक पॉट जो है उसमें पानी नहीं भरा हुआ है

एटमोस्फेरिक प्रेशर से आपका एयर जाएगी और आपके वैक्यूम को ड्रॉप कर देगी आपका इजेक्टर कभी भी आपको वैक्यूम बना के नहीं देगा ये हो गई सेकेंड चीज थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रेंड्स मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी बैरोमेट्रिक लैक्स आती हैं ये देखिए ये जो एंगल बनता है फ्रेंड्स ये एंगल ये वाला एंगल ये हमेशा हम फोर्टी डिग्री का रखते हैं ऐसा क्यों फ्रेंड्स इसके पीछे एक रीजन ये रहता है कि हमारा जो भी आपका मींस जो भी आपका लिक्विड कंडेंस हो रहा है कभी भी उसमें एयर ट्रैपिंग होने के चांसेस रहते हैं इन दैट केस हमारा जो लिक्विड है उसके पाथ को रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है सो so फ्रेंड्स एयर ट्रैपिंग के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम ये जो बैरोमेट्रिक पॉट्स की लाइन्स बनाते हैं इनको मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हमेशा फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल्स पर ही रखें ताकि लिक्विड का मूवमेंट जो है वो एज क्विक एज पॉसिबल हो और हमारा एयर ट्रैपिंग के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो सो फ्रेंड्स होप आपको बैरोमेट्रिक कॉन्स बैरोमेट्रिक पॉट और बैरोमेट्रिक लेग इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैंने कुछ चीजें बताई हैं अच्छे से याद रखिएगा कि बैरोमेट्रिक लेग की लेंथ मिनिमम 10.4 मीटर क्यों रखी जाती है पहली चीज सेकंड चीज बैरोमेट्रिक पॉट में हमेशा पानी क्यों भरा होना चाहिए थर्ड ये जो बैरोमेट्रिक लेग की लाइन्स आती है इनका एंगल हमेशा फोर्टी डिग्री का क्यों रखा जाता है सो फ्रेंड्स होप आपको बैरोमेट्रिक पॉट और बैरोमेट्रिक लेग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा सो so फ्रेंड्स होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो so फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा आपका इजेक्टर से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग्स क्या क्या होती है लाइक like आपका कोई चालू इजेक्टर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है रनिंग इजेक्टर में कोई इशूज आ जाती है तो स्टेप बाई स्टेप आप किस तरीके से उन इशूज को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे इजेक्टर में क्या प्रॉब्लम हुई है अदरवाइज प्रॉब्लम कहीं पे होगी आप उसका सॉल्यूशन और कहीं पे ढूंढ जाओगे तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टेप वाइज अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें अपने सिस्टम को चेक करना है ताकि हम मिनिमम टाइम में अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें कि हमारे सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम है इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड इजेक्टर्स भी कुछ होते हैं जहां पे हम स्टीम की जगह पानी यूज करते हैं सो so, फ्रेंड्स अगर आपको इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली मैं कुछ स्टीम जेट इजेक्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करूंगा सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक like कीजिए और शेयर कीजिए टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे